अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सविशाखानितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसिद्धि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गौर भगवान की जय। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हम लोग चर्चा चल रहे हैं अभी भगवान श्री नरसिंहदेव के सुंदर अभिवृद्धि दिवस आ रहा है और भगवान नरसिंहदेव इतने कृपाल हुए, इतने कृपाल, इतने दयाल हुए, इतने भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए सब कुछ करने को व्यस्त रहते हैं, भक्त के लिए भगवान है। एक समय के बाद है जब श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु ये धराधाम में थे, नवोदीप में, उस समय पे वहां का जो मिनिस्टर काजी था, मतलब मुसलमान अधिकारी, और जब भक्त लोग का स्वभाव है, आजकल जैसे घर घर में टीवी हो गए और घर घर में और उसके उस और मोबाइल हो गया, मोबाइल उस समय पे पुरातन काल में घर घर में गांव-गांव में थोड़ा-थोड़ा टूंगी था, टूंगी मतलब 10-15 घर शाम को बैठेंगे, भागवतम कथा एक व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा, सब सुनते थे। वो हमारे गांव में होता तो हमने देखा है। आजकल ताश पत्ता खेलना शुरू कर दिए, कितना कली का प्रभाव है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणन कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्यजित। कलयुग दोष के भंडार है लेकिन एक अच्छा गुण है श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भाव का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन विष्णु जगन मंगल महाश्याम महत्तम उपकौरेद्यम। जगन मंगल जगत को मंगल करने के लिए सिर्फ प्रभु के पवित्र नाम है, और नाम को दिखाने के लिए नामी स्वयं आते हैं कैसे नाम लेना है। वो नामी कौन है? श्री गौरंग चंद्र सुंदर भगवान है। और देखते हैं काजी ने आदेश दिया कि कुछ ब्राह्मण लोग जाके बोले देखो ये निमाई पंडित है, ऐसे व्यक्ति है, वो ब्राह्मण का लड़का है और ठीक है, और वो सब कुछ ब्राह्मण लोगों को घुमा करेंगे और कीर्तन संकीर्तन करते हैं, प्रचार करता है, हरिनाम करता है, वो तो डिस्टर्ब है। तो हमारा हम तो मंत्र जप करते हैं, अपने मन में करना चाहिए। एक नया नया रूल कर दिया, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, जोर जोर से सबको जबरदस्ती करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम। जो राजा है, राजा को जब जनता लोग जाकर कंप्लेन करने लगे, राजा का कर्तव्य, राजा को देखेगा, राजा ने देखा कि सारे जो जनता है वो ये निमाई पंडित के विरुद्ध में वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या कि राजा को बोले कि ऐसे होना नहीं चाहिए, हम मंत्र से सब मन में करना चाहिए, उच्चारण के नहीं करना चाहिए। शास्त्र बताता है सतगुण फल या सर्व शास्त्र बोले हजार गुण फल मिलता है, उच्चारण करके जप करना चाहिए। तो बोलते ठीक है, तो ये सोच करके सब डिस्टर्ब कर दिया और काजी आके सबको बोल दिया स्टॉप, काल से अगर कोई व्यक्ति कीर्तन किया, मृदंग बजाया, सबको लेके गंगा में डुबा दूंगा और सबको हम सबको और पानी फेंक दूंगा, सब मुसलमान बन जाएंगे। सब डर गए, एकदम घबर गए,
चुपचाप अपने घर के अंदर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे अभी लॉकआउट होने के नाते हैं, लॉकडाउन लॉकडाउन होने के नाते सब अपन घर में बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण करते, भागवतम पढ़ते, गीता पढ़ते, लेक्चर सुनते। और जो भक्त नहीं है वो खाली बीवी को देखते, बीवी उसको देखते हैं, और बीवी और पति में डूंग 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 होते रहता है। क्यों? जो भक्त नहीं है तो क्या करेंगे? और टीवी देखेंगे, और कुछ काम धाम नहीं। जो भक्त उसको लेट उसको 24 घंटा तक कम पड़ता है, 24 घंटा भी भक्त को कम पड़ रहा है। वो सवेरे उठेगा, मंगल आरती करेगा, आरती करेगा, तुलसी पूजा करेगा, गुरु पूजा करेगा, जप करेगा, 2 घंटा जप करेगा, फिर लेक्चर होता है सुनेगा, लेक्चर सुनेगा, फिर पसंद बनाएगा कि पसंद खाएगा, फिर बाद में पढ़ेगा, फिर लेक्चर सुनेगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा कि नहीं, फिर पढ़ाई करेगा, फिर शाम का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल टाइट। लेकिन जो भक्त नहीं है उनको लगता है क्या करना। उस समय पर उन्होंने क्या किया, जो मना कर दिए सब लोग डर के मारे चुपचाप बैठ के भजन करने लगे। श्री गौरांग महापो अंतर्जामी सर्व हृदय स्थित प्रभु, हमारा सर्व हृदय के स्वामी, सर्व हृदय स्थित हमारा प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं। वो देखिए, अरे आजकल कीर्तन नहीं होता है। श्री भट्ट को बोले, क्या है कीर्तन? दूसरे भक्तों को बोले, बंद हो गया कीर्तन? क्यों बंद हो गया? आप लोग सब बरन में बैठ के कीर्तन हरिनाम लेते थे, बंद क्यों हो गया? ना काजी का दबाव है ना। अच्छा, तो शिवाज ठाकुर अपने दरवाजा बंद करके चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप करता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए, क्यों? काजी ने एक बार आदेश दिया, सब चक्कर मारा, चेकिंग किया, जैसे पुलिस चेकिंग करता है, चेकिंग किया कौन हरे नाम जप करता है। तो काजी ने कहा, सन्य सामंत एक बार आए तो मूर्तियों को फूर्तन तोड़ दिए, धमकी दे दिए, तो इसलिए इसके वजह से कोई भी व्यक्ति अभी कीर्तन करता नहीं, चुपचाप मन में करने लगा। तो महाप्रभु जानने के बाद महाप्रभु ने तुरंत आगे आने के बाद शिवाज ठाकुर बैठ के प्रभु के पवित्र नाम जप कर रहे हैं, ठक ठक दरवाजा खटखट करते हैं। शिवाज ठाकुर के घर पे एक शालाग्रामशिला है, नरसिंह शालाग्रामशिला है, उनकी पूजा कर रहा था। और जब उस ठक ठक आवाज का दरवाजा धक 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 दरवाजा करते हैं, शिवाज ठाकुर सोचने लगे, अरे ये लोग आगे लगता है, ये लोग आगे। दरवाजा बंद करके नरसिंह भगवान को पुकारने, नरसिंह देव को पुकारने लगा। भक्त को जो संकट आता भक्त नरसिंह देव को पुकारता है। नरसिंह देव बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, बहुत भक्षवत्सल है, अत्यंत वो लोग बोलते कोप व्यक्ति है, लेकिन कोप नहीं है। वो क्या कोप है? गुस्सा इसलिए है, तुम मेरे भक्त के घर में कैसे घुस गया? तुम जैसे कोई आपका रिलेटिव है उसका घर में कोई घुस गया, तुम उधर क्यों चल गए? उसी प्रकार वैष्णव का हृदय में विष्णु रहते हैं, और वैष्णव भगवान का अत्यंत प्रिय है, और वो वैष्णव जो भक्ति करता है उस भगवान देखते, तेरे हृदय में काम कैसे बैठ गया? साथ देता हूँ मैं मसला देता हूँ। उसी प्रकार भगवान भक्त को अत्यंत आदर सत्कार करते, प्रेम करते हैं। तो तुरंत नरसिंह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा ठक 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 किए, शिवाज ठाकुर और बुलाने लगा, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। जितने जोर से बुलाते हैं ये चैतन्य महाप्रभु का भाव और प्रकट होता है, और प्रकट होता है, और एकदम भाव आता है। लास्ट को चैतन्य महाप्रभु ने जोर से लात मारे, खटक, दरवाजा टूट गया। देखा तो शिवाज ठाकुर, अरे शिवाज क्या करते तू? बोला, अरे निमाई पंडित, आप बोलना चाहिए ना, आप है, आप बोलता नहीं ना, तुम किसको डरता है? मैं चाहेगा तो जगत को कृष्ण प्रेम में पिला सकता हूँ, कृष्ण प्रेम दान दे सकता हूँ। देख तू जिसको बोलेगा उसको कृष्ण प्रेम दे सकता हूँ। वो क्या है, काजी को डरते हो तुम? वाले में कौन हो? मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही सर्व कुछ हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ सृष्टि होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्य भुवनान विभत दुर्गा, सब कुछ मेरे अधीन में काम कर, तुम डरता किसको? घबरो मत, घबरने का नहीं। तो उस टाइम पे भक्तों को सांत्वना दिया भगवान, इसी का कहाँ है, काम करो, बहुत ऐसी इधर जाता है। तो बोलते हैं कि देखो तुम किसको घबरने का नहीं, जो मेरे नाम जब करते हैं, मेरे गुणों का नहीं करते, तुमको घबरने का नहीं, मैं ही नरसिंह देव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उस टाइम में भक्त लोग शांत हो जाते हैं और बोलते, खड़ो प्रसाद, मैं देखता हूँ कौन रुकता है। भगवान के कार्यक्रम में कोई भी रुकावट बाधा डाल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान सर्वरक्षक है, सर्वपालक है। और महाप्रभु ने वो काजी को धमकी देने के लिए
काजी को दंड देने के लिए महा असंकीर्तन शुरू किया। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने महा असंकीर्तन शुरू किया। शुरू के साथ लाखों व्यक्ति एकत्रित हो गए, लाखों व्यक्ति एकत्रित हो गए। अब बोले इतना लोग कहाँ जाए, कहा गया भौतिक जगत जितना ही है नवद्वीप का भाषी उतना है, साथ साथ देवलोक से, किन्नर लोक से, गंधर्व लोक से, पाताल लोक से सब मनुष्य वैसे में आके एकत्रित हो गए। महा असंकीर्तन में आंदोलन में आ गए, सब आ रहे एकत्र। कोई मसाला पकड़ रहा है, कोई मृदंग बज रहा है, कोई करतला बज रहा है, जो मसाला पकड़ रहा है उसको इसमें घी डालता है या तेल डालता है, वो सोचता है मेरे दो हाथ होता मैं कितना अच्छा होगा। मन में सोचा मेरे दो हाथ होता तो मैं भी हरिनाम करता था, मैं भी मृदंग करता था। तो प्रभु की कृपा से, भगवान गौरांग चरण के गौरांग चंद्र की कृपा से वहां पे सब लोग क्या बन गए, चतुर्भुज। लेकिन किसको मालूम नहीं पड़ा कि चतुर्भुज है। चतुर्भुज बन के मसाल पकड़ते हैं, कीर्तन करते, कोई नाच रहे, गा रहे, गा गा के, गा गा के, गा गा के, जब काजी के पास पहुंचे, काजी सोच रहा है, काजी अपना नौकर को देखो तो क्या है, जो आता है वापिस रिटर्न जाता नहीं, जो आता रिटर्न जाता नहीं, जो आता रिटर्न जाता नहीं। काजी बोला क्या हो गया, क्या हो गया। लास्ट को काजी का दरवाजे में सब एकत्रित, काजी का महल के सामने कोई बोलता है उसका दाढ़ी में आग लगा दो, कोई बोलता है उसका पेड़ तोड़ दो, कोई बोलता है घर जला दो। भक्त लोग एकदम उन्मत्त, एकदम निडर, क्योंकि प्रभु के चरण का आश्रय लिए। इसलिए बताते ना, भजऊ रे मन सिनंद नंदन अभय चरणार बिंद, भजऊ रे मन सिनंद नंदन अभय चरणार बिंद। इसलिए जो भजन करते ना, जो ये करते ना, तो वो उसको भय नहीं रहता है। तो भक्त लोग अभी निर्भय हो गए, क्यों, इसलिए निर्भय हो गए कि वो लोग भगवान चित्रों का आश्रय लिए। और काजी तुरंत ऊपर से नीचे आता है, काजी डर के मारे कांपने लगा। काजी कौन था, वो कंस था, कंस। तो बातचीत होता है, काजी को बोलते आप ऐसे किसे करते हो, फिर उसको वो माफी मांगता है, माफी मांगने के नाते फिर अपने आप को सुस्थिर होता है, शरणागत जाता है। और काजी बोलता है मैंने रात को एक भयंकर स्वप्न देखा, मैं निमय पंडित आपको इसे बोलूंगा, सबके सामने बोलूंगा नहीं, क्यों शर्म लग गया। बोले आओ बोलो ना, मैंने जिस दिन आपका मुर्दंग, तो आपका भक्तों का मुर्दंग तोड़ दिया, धमकी दिया, उसी दिन रात को मैंने देखा एक भयंकर शेर मेरे छाती के ऊपर बैठ गया। बोला रे काजी, रे काजी तेरे कर दूंगा तेरे बाजी, तुरंत उसके ऊपर बैठ गए, उसके नखून के निशान फाड़ डालूंगा। भयंकर बेकटाल रूप धारण किया और मैं घबर गया, मैंने माफी मांगा, प्रभु में गलती हो गया। बोले एक बार माफ कर दिया, अगर तुम दोबारा मेरे संकीर्तन में अंगुली दिखाओगे, मेरे प्रचार में, मेरे कार्य में बाधा डालोगे, सर्वनाश कर दूंगा। और वे देखो छाती खोल के, कुर्ता खोल के दिखाया, नखून का निशान दिखाया, नखून दिखाया। तो विचार करो भगवान नरसिंहदेव कितने कृपालु है। इसलिए यहाँ पे भगवान नरसिंहदेव बोलते ना, उग्रप्य अनुग्र एवाय सो भक्तनम केसरी केसरी सो पोतनम अन्निना उग्र विक्रम। भयंकर रूपे, विकटाल रूपे, खुंखार रूपे, एकदम खतरनाक रूपे, जो देखेगा एकदम घबर जाएगा। लेकिन प्रभु भक्तों के लिए एकदम बहुत कोमल बनते, दयाद्र बनते, एकदम कृपालु बनते। कैसे, जैसे गौ माता बच्चे को देखने से चाटता है ना, उसी प्रकार भगवान अपने बच्चे को देखने के बाद बहुत प्यार करते हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं भगवान नरसिंहदेव एक्चुअली क्रोधित है, वो किसके लिए, दूसरे के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। जो भगवान के मिशन के लिए काम करता है, भगवान के लिए काम करता है, भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और नरसिंहदेव किसको बद्ध करते हैं, जो वैष्णव के प्रति द्वेष करता है, प्रहलाद महाराज महान वैष्णव। और वो कौन, हिरण्यकश्यपु, वो तो एक नाटक चल रहा है। हिरण्यकश्यपु को बोला गया, एक ड्रामा में दिया गया कि तुम एक असुर बनो, एक भक्त बनो, लेकिन दोनों महान भक्त है, दोनों परम वैष्णव है, दोनों प्योर जीव है। वैकुंठ के जो दास है वो भी शुद्ध है, वो निर्मल है, वो लेकिन एक ड्रामा कर दूसरे जगत को, दूसरे को दिखाने के लिए कि वैष्णव के प्रति अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कुछ डिफेक्ट कर दिया, उसका हलवा टाइट हो जाएगा।
वैष्णव भगवान को प्रेस लोग भगवान बोलते हैं मदन्यन्ते न जानन्ति नाहं तद्यमनागपि मदन्यन्ते न जानन्ति मेरे बिना कुछ नहीं जानते हैं कुछ भी नहीं जानते वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड है कैसे डिपेंड है कहा गया जैसे कहा गया कि एक बछड़ा जब गाय बछड़ा जन्म अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्ने यच्छरा बछड़ा कृतार्थ प्रियम प्रियव पीयूषम विषन्ना मनोरविंद के थिंद्रियाणाम क्या प्रेम है इससे होना चाहिए बोलते अजात पक्षा अजात पक्षा एक पक्षी जन्म दिया उसका जो जो बच्चा जन्म है पक्षी का बच्चे का पंख आया नहीं वो किसके ऊपर डिपेंड है माँ के ऊपर डिपेंड अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्ने यत्सरा बच्छरा खुदार तो गो माता ने एक संतान उत्पन्न देता है वो माँ के ऊपर डिपेंड है उसी प्रकार प्रियं प्रियव पत्नी पति के ऊपर डिपेंड है और उसी प्रकार मनोरविंद के धुंद्रियाण इसी प्रकार मैं प्रभु मैं आपका ऊपर निर्भर हूं हा? तो भक्त जो रहता है भगवान को निर्भर रहता है इसलिए बोलते हैं आत्मसमर्पणे दुख दूर गेलो आत्मसमर्पणे दुख दूर गेलो चिंता न रहिलो आरो चिंता न रहिलो आरो आत्मसमर्पणे दुख दूर गेलो आत्मसमर्पणे दुख दूर गेलो चिंता न रहिलो आरो जो कोई आत्मसमर्पण करता है उसको दुख दूर हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे प्रहलाद कल जैसे हम बताए थे कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ज्ञान दिया निर्देश दिया करो प्रचार मतलब प्रचार करने के लिए छोटे बच्चा भी दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं कोमल आचरित प्रज्ञ धर्मानुभाग बतनिया हमको कोई बोलता हम बुढ़ा होने के बाद तो बड़ा हो जाएगा तो भक्ति करूंगा अरे माँ के पेट से बच्चा मर जाता है थोड़ी ऐसी नहीं इसलिए कोमल आचरित प्रज्ञ बचपन से हमको भक्ति स्वीकार करना चाहिए बचपन से। और यहाँ प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भक्ति के रास्ता दिखा रहे हैं भक्ति के रास्ता दिखा के उनको जीवन सार्थक बनाते हैं। ये भक्त का कर्तव्य है दूसरे भक्त को सहायता करना कृष्ण भावना में कृष्ण के लिए जब ऐसे करोगे कृष्ण अपना हो जाएंगे कृष्ण अपना हो जाएंगे। बोलते ना जब चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत उस टाइम पे वो जो कर्म ब्राह्मण बोला प्रभु मैं हम एक विषयी व्यक्ति हूँ जो भक्त है वो महान भक्त है लेकिन अपने कर्म क्या सोचने लगा मैं गृहस्थी हूँ मैं फंसा हूँ मेरे उद्धार होने वाला नहीं मैं प्रभु आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु क्या बोले नहीं मेरे को विषय बाधा बहुत कष्ट देता है। वो महाप्रभु बोले कबू नवा दिए तुम्हारे विषय तरंग पुनर्पि पावे हमारे संग विषय तरंग अटैक नहीं करेगा प्रवेश नहीं करेगा क्या करने का स्थान स्थितिगता तो नुमंग मनोभीर तो जो जो स्थान आप है गृहस्थ समय नो प्रॉब्लम रहती है मेरे नाम मेरे कीर्तन मेरे श्रवण मेरे मनन मेरे बारे में चिंतन करो तो ये करोगे आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घर संसार से भी बच जाओगे। कैसे रहेगा जब वो स्तुति करेंगे ना अमारो बोलिते प्रभु आरो किछु नाही तुम्ही मात्र अमार पिता बंधु भाई धन धारा सुता सुता तब दासी दास सहित संबंध सर्व आमार प्रयास। बोलते प्रभु मेरे बिली कुछ नहीं मेरे धन क्या क्या धन डारा सुता सुता तब दासी दास मेरे बेटा बेटी धन सब सब कुछ आपका है हमारे बोलिया मेरे को मेरे बिली कुछ नहीं। जब ऐसी भावना रहेगा ये व्यक्ति रियल गृहस्थ है। और प्रहलाद महाराज तो वो 5 साल के वो थोड़ी गृहस्थ लेकिन उनका मन की भावना देखिए लेकिन हिरण्यकश्यप गृहस्थ क्या सोचता है ये बोलता है इदम मध्यम मया लब्धम इमं पश्य मनोरथम इदपि भविष्यन्ति पुनर्धनम आज मेरे पास इतना कल इतना परसों इतना पूरा हो जाएगा। ईश्वरम अहम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी मैं ईश्वर हूं मैं सिद्ध हूं मैं बलवान हूं ऐसा हूं मैं ईश्वर हूं। हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर की
मैंने प्रतिद्वंदी करता, मैं ईश्वर हूँ, कोई ईश्वर नहीं है। प्रहलाद महाराज सारे संसार लोग उसको डरते थे, छोटे से बच्चा बोलता था आप कैसे ईश्वर है, सर दुनिया मेरे को मानता है, ये लड़का मेरे को मानता नहीं। इसलिए उनसे खुनास आने लगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो भक्त होता है सत्य को प्रतिकार करता है, सत्य में वजह थे। यहाँ पे हिरण्यकश्यपु ने बहुत धमकी दिया, बहुत यहाँ बताते कैसे बोलते इस लोग बताते हैं, कोप विषाद चलत गात्रम पुत्र हंतुम मनोदे। कहा गया जब हिरण्यकश्यपु को पूछा अपने पुत्र क्या पढ़ेगा, तुम काल क्या पढ़ेगा, परसों क्या पढ़ेगा, उसने बोलने लगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु को भजन करना है विष्णु। फिर बोलने लगा तत्साधु मुनि सुरो बोले देना, आप क्यों टेंशन लेते, आप तो जंगल में जाकर तपस्या करना चाहिए। तपस्या, ये बेटा मेरे को पाठ पढ़ाता है, आज का बच्चा, आज का दूध मुहा बच्चा दूध छोड़ा के नहीं मेरे को पाठ पढ़ाता है। हाँ तू क्या मेरे को पाठ पढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे छोटे बच्चे मेरे को क्या पढ़ाए, मैं होशियार हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ बताया गया तो दूध मुहा बच्चा तू क्या मेरे को पाठ, तो उसको क्रोधित आया। और विशेष रूप से इतना प्रयास करने के बाद हिरण्यकश्यपु अनेक व्यक्ति के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को बाल बंका नहीं कर पाया। प्रहलाद का डिटरमाइन देखिए, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नाम में उन्मत्त है, भगवान के नाम में आश्रित, इसलिए बताते ना नामाश्रय करी जतने तुमी थाको आपन काजे, नामाश्रय करी जतने तुमी थाको आपन काजे। बोलते कोप आवेश, अत्यंत कोप का मुद्रा में आके क्या हुआ, कोपावेश, कोप का मुद्रा में आया, कौन आया, हिरण्यकश्यपु आया। और क्या बोलता है देखिए, बोलते अचलत गात्रम पुत्रम हंतुम, अचलता है और बच्चे को मारने के लिए यह हाथ में तलवार, उसको मार डालूंगा मैं, क्यों मार डालूंगा, क्या बोलता है फिर, बोलते हैं क्षिप्त्वा पुरुषया वाचा महाजदम, बोलते डांटती हुए वो कठोर शब्द से अपना पुत्र को डांटने लगा। नाना से बच्चा मेरे बात, मेरे बेटा मेरे बात मानता नहीं, यहाँ प्रॉपर बहुपद बताते तात्पर्य बताते, हिरण्यकश्यपु ने सारी स्थिति को समझ गया और इतना अधिक क्रुद्ध हुआ, उसका सारा शरीर कांपने लगा। और जिस बार शास्त्र में बताया गया जो कोई भी क्रोध होता है, क्रोध होने के नाते वो तो गुस्सा तो होता है दूसरे के ऊपर, लेकिन उसके होते हुए अपना शरीर कांपता है। प्रैक्टिकल चीज है, जब खुद गुस्से में रहता है तो हमारा शरीर गुस्से में होने के नाते अपना शरीर में कंट्रोल नहीं रहता है, एकदम कांपता है, एकदम जो जितने लोगों में पूरे कांपता है 100%। और क्या बोलते हैं देखिए, बोलते हैं इसी से अत्यंत अपने पुत्र को मार डालने के लिए निश्चय कर लिया, और कांपते हुए अपने पुत्र को मारने के लिए निश्चय किया, आज मैं तेरे को देख लूंगा। और क्या बोलता है, हिरण्यकश्यपु के स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने अपमानित हुआ जानकर वो पांव में कुचले हुए सर्प की भांति फुफकार कर लिया, और अपमान हुआ, अपमान लगता ना, मान अपमान सबसे बड़ा भयंकर चीज है। इसलिए भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए तुल्य निंदास्तु त्रिमाउनि संतुष्टम ए न कनचित, निंदा और स्तुति से हमको ऊपर होना चाहिए। मान अपमान, मान अपमान अगर हमको लगता है मान अपमान तो हमारे लिए घाटा है। भक्त को मान के प्रति हमारा महाप्रभु क्या बोलते हैं कि अमान न मान देना, मान को न चाहते हुए मान देना। इसीलिए यहां बताते हैं हिरण्यकश्यपु को मान नहीं मिला, और ये संसार में हर एक व्यक्ति को मान चाहिए, मान की इच्छा है, मान मान की इच्छा, मन में मेरे को ये चाहिए। हिरण्यकश्यपु का मन में क्या है, ये छोटे बच्चा इतना लोगों के सामने मेरे को बात बनाता है, उसको बहुत अपमान लगा। और भक्त को तो जो भक्ति करता है उसके लिए अपमान होता है, कभी भक्तों को अपमान भी होता है, कभी कभी मान मिलता है, लेकिन
दोनों को समभाव देखता है, वो प्रभु की कृपा को समझता है, जो मान मिलता है वो अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरण में अर्पण करता है, और अपमान मिलता है वो सोचता है अपमान अपमान दिया, अपमान कोई करता अपमान करता है, तुम ऐसा। तो भक्त भगवान को एकांत में बोलता है, प्रभु मेरे अपमान जब सहने से क्या फायदा होता है, हमारा कर्म नष्ट हो जाता है, हमारा कुछ बहुत कठिन स्थिति है, हमारे को ये अपमान के माध्यम से हमको ये करा गया, जिसे पहले बोला गया था ना। एक बार युधिष्ठिर महाराज और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन स्थिति में हुआ था, तो वो बोल दिए थे कि धनुर्धारी को ऐसे नहीं है, तो उस टाइम अर्जुन को बहुत अपमान, अर्जुन से तो मैं मार डालूंगा, हाँ मार डालूंगा, लेकिन महा भगवान बोले अपमान कर देने से भी मरने के समान है, हा? और अपमान सहन करना बड़ा कठिन है, सब तो हम मान को सम, मान सम्मान को सहन करने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, टाई खोल के ऐसे रहता है एकदम भारी का बड़ा आनंद अंदर से अच्छा लगता है, लेकिन अपमान होता है तो हमको बुरा लगता है, लेकिन हम सब भक्त यही लेवल में है, लेकिन भगवान को प्रार्थना करेंगे तो हमारे जो अपमान कभी होता है उस टाइम पे भी हमको खराब लगना नहीं चाहिए, अपमान सहन से भगवत धाम जाएंगे, गारंटी जाएंगे, संदेह नहीं। आप देख सकते हो एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे बैठ के भजन कर, ये जा रहे गंगा में स्नान करने को, उस ऊपर एक मियाँ ने क्या करते मन में ऊपर से थूकता है, कुछ लोग उसको पैसा दे दिए, ये व्यक्ति को अपमान करो अपमान करो अपमान करो, स्नान करने जा रहे ऊपर से थूकता है, देखता है कुछ नहीं बोलता है, जाता गंगा में स्नान करता है, फिर आता है फिर थूकता है, ऐसे 108 बार उसने थूका, उसने 108 बार गंगा मैया का चरण में स्नान किया, स्नान करने के बाद ऊपर वाला व्यक्ति आके नीचे आके बोलता है धन्य है धन्य है धन्य है, बोला अरे भाई तू महान व्यक्ति है, मैं थूक थूक के मेरा थूक सूख गया, हाँ लेकिन तुम थका नहीं, तुम स्नान करने में तुम तुम्हारे कार्य में कभी थका नहीं, तुम मानना पड़ेगा। तब ये बोलता है नहीं भाई तुम तो मेरा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया, मैं क्या उपकार किया, क्योंकि देखो आपने ऐसे उपकार किया कि तुम्हारे वजह से मेरे को तो गंगा माया का चरण में स्नान करने को मिला, हाँ तो तू मेरे उपकार किया। जो वैष्णव होता है अपमान से भी उसका अपमान करता है उसमें वो भलाई देख लेता है, नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, गुरु कभी डांटता है वरिष्ठ व्यक्ति को भी डांटता है, वो अपमान नहीं वो तो सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्रहलाद, यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो बोलते हैं तो उसको अपमान लगता है, क्यों प्रहलाद महाराज सत्य बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, हाँ और क्या बोलते हैं, वो इंद्र बोलते हैं प्रहलाद महाराज शांत विनम्र भद्र तथा, प्रहलाद महाराज कैसे विनम्र है शांत है एकदम विनम्र व्यक्ति, हाथ जोड़ करके पापा को चरण में अनुरोध कर रहा है, विनम्र शांत और आत्मसंयमी, वो अपने इंद्रिय को संयम किए, हमारे कितना इंद्रिय, हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिय है पांच कर्म इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय क्या है हमारा आंख है कान है नाक है जीवा है त्वचा है, ये ज्ञानेन्द्रिय, और कर्म इंद्रिय क्या है जैसे मुंह है गुद्दा है इत्यादि, ऐसे पांच इंद्रिय वो पांच, और एक लास्ट को क्या है मन, ग्यारह इंद्रिय, ग्यारह इंद्रिय, और उसने प्रहलाद अमृत मार तो पूरा इंद्रिय को प्रभु के सेवा लगाए थे, सभी मिन्न कृष्ण पदारविंद पूरा इंद्रिय को प्रभु के सेवा लगाए थे, यह बताते वो भगवान समर्पित किए, लेकिन वो अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार उत्पन्न योग्य नहीं था, उतना छोटा था इतना नाना सा बच्चा था उसको डांटना मारने की कोई योग्यता नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या मारने का, छोटे बच्चे को हिंसा करना ये उचित नहीं है, छोटे बच्चा है हा? और प्रहलाद महाराज अत्यंत नन्हे से बच्चा है, पांच साल का बच्चा, उसको हिंसा करके उसको मारने के लिए एकदम उसको लग गया, और क्या बोलते बोलते कश्यप ने तेरी नजर से घूमते हुए निम्न शब्द कटु वचन बोलेगा, टेढ़ी नजर उसका नजर टेढ़ी हो गया, और हाथ में लिया तलवार और क्या एकदम वैष्णव को निंदा करने लगा, वैष्णव को जो निंदा करता है प्रहलाद महाराज कौन है, एक परम वैष्णव कहा गया,
बारह महाजन में स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्म बोलेर वैयास कब्बयम। बारह महाजन में प्रहलाद महाराज महाजन है और महाजन को कोई निंदा करता है, भक्तों को निंदा करेगा उसका सब ये प्रॉपर्टी। प्रभुपाद जी बोलते हैं आयु श्री यशो धर्म लोकनम अशिष अंतिम श्रेष्ठ शर्माणी पुंचम दधिक्रम। जो कोई व्यक्ति महात्मा के सब दुर्व्यवहार करता है उसे आयु ऐश्वर्य यश धर्म संपत्ति सौभाग्य सभी नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान के भक्त के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे तो विचार करो, प्रभु हमारा हमारा कृष्ण चैतन्य हमारा भगवान गौरंग भगवान कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर अपमान किया भक्त का बस खतरनाक। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण आता है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और वो भगवान के 16108 पाटरानियां और एक एक बच्चे का एक एक व्यक्ति का 10-10 बच्चा है तो कितना बड़ा संख्या है और ये सब लोग मिलके मस्ती कर रहे थे आनंद ले रहे थे लेकिन सब देवताओं को अंश में जन्म सब भारी है। लेकिन ये भगवान की कार्य भगवान की लीला है। एक बार कुछ साधु लोग प्रभु को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भगवान कृष्ण को दर्शन करने वाले हैं। उस समय पे सांबा ने एक साड़ी उनका सांबा का दोस्त लोग बहुत लोग है वही पार्षद लोग है और उस भक्त लोग मिलके उनका बच्चे लोग मिलके खेलते खेलते एक बुद्धि काम किया, बुद्धि काम नहीं किया। सांबा को तू लड़की बन गया तो सांबा को साड़ी पहना दिए, साड़ी पहना दिया और पेट में एक तकिया रख दिया, छोटा सा तकिया रख दिया। और ऋषि मुनि लोग जा रहे हैं प्रभु को दर्शन करने को, भगवान की तो लीला है तो उसमें से शंभु बोलता है, शंभु जाता है प्रणाम करता है, दूसरे लोग को बोलते हैं अरे महात्मा जी बताइए तो इसके पेट से क्या निकलेगा। तो दिव्य दृष्टि वाले अंतर्जामी जो जानते हैं भगवान के भक्त भी, भगवान अंतर्जामी भक्त भी अंतर्जामी और क्यों अंतर्जामी के दास है इसलिए बोले अरे तुम लोग इतना घमंड आ गया, इतना अंदर आ गया, इतना इतना भारी मानने अपना भारी मानने लगे। ठीक है मैं बोलता हूं उसका गर्भ से निकलेगा मूसल, तुम्हारे यह जीवन से नष्ट होगा। देखिए सिर्फ थोड़ा की कार्य की वजह से यदि वंश का सर्वनाश होता है क्योंकि अभिशाप ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा के बिना ब्राह्मण जो है कौन ब्राह्मण है सत्कर्म निपुण विप्रो मंत्र जंत्र विशारदो, चाहे छह कर्म में ब्राह्मण हो सकता है यजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा वो ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण जो भगवान विष्णु को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ऐसे वैष्णव के प्रति ईर्ष्या द्वेष छंद कपट करता है हम भक्ति में आगे नहीं जा सकते, असंभव। इसलिए हमको सर्व पहले प्रयास करना चाहिए भगवान का जो प्यारा है भगवान जो प्रिय है भगवान का भक्त, जिस प्रकार कोई पिताजी को हम प्रेम करते हैं उस पिताजी को बहुत प्यार करेंगे प्रेम करेंगे लेकिन इसके बच्चे के प्रति ईर्ष्या करेंगे, बच्चे के प्रति द्वेष करेंगे, बच्चे को तकलीफ देंगे, बच्चे को पॉलिटिक्स में डाल देंगे, बच्चे को पिटाई करेंगे, तो उसका बाप क्या हमको प्रेम करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चे कौन है भगवान डिपेंड है, खाली हम उसके बच्चे को प्रेम करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। सिद्धि भवति वा नेति संशयं मच्युते से विनाम निशयस्तु तद्भक्त परिचरितात्मनम। जब सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा भक्ति करेगा गारंटी नहीं, उनके भक्त कृपा करेगा गारंटी कृपा मिलता है नो डाउट, क्योंकि भगवान के भक्त अत्यंत उदार है। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कारा मुला प्रेमलती कारा मुला प्रेमलती कारा मुला प्रेम प्राप्ति करने का तरीका है श्री भक्तों की सेवा करना, सत्य है।
भक्त पद रज भक्त की गुणगान, भक्त की प्रशंसा, भक्त की यश। भक्त प्रभुपाद जी हमारे सामने परम आचार्य हैं, उनका यश को फैलाना, उनका यश क्या है, श्री प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, दूसरे को बताना, दूसरे को कृष्ण के बारे में बोलना। तो प्रभुपाद के एक इच्छा था, बूढ़ा व्यक्ति 70 साल में कष्ट भोगते हुए, कितने बार हार्ट अटैक, 2 बार हार्ट अटैक होते हुए उन्होंने सिर्फ गए कि मैं प्रचार करूंगा। लोग कोई उनको गाली भी दिया, कोई प्रशंसा किया, कोई उनका चोरी कर लिया सामान, कोई उनका टेप रिकॉर्ड चोरी कर लिया, कोई उनको मान लिया। लेकिन उन्होंने श्रील प्रभुपाद उनके गुरु महाराज बक्सिंद ठाकुर के आदेश के अनुसार कार्य करने के रेडी रहे। जब रेडी रहते हैं तो प्रभुपाद जी को कृपा मिला उनका आचार्य की। उसी प्रकार हम भी, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी को डिजायर है कि क्या करना है, भक्ति करना है, भक्तों जो बनते हैं उनको कृपा कर, भक्तों को मदद करना, भक्त की सेवा कर। प्रभुपाद जी को देखिए, खुद बोलते हैं एक आचार्य है, एक गुरु है, एक महान संत है, एक संसार एक पायलट है। वो ऐसे नौका लेकर आए जो नौके बैठेगा वो नौका भवन नदी को पार हो। नौका का नाम क्या है, इष्कन संस्था अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ। नौका में जो बैठेगा गारंटी भौतिक जगत को पार करके भगवत गोलोक वृंदावन जाएगा। नौ के कैप्टन श्रील प्रभुपाद है। अब प्रभुपाद जी इतना कष्ट उठाए, कष्ट उठाने के बाद भी भक्त की सेवा करते थे। कभी कभी लोगों को खिला बनाते थे, खुद बनाएंगे, पतल डालेंगे, फायरिंग ग्लास रखेंगे, चटाई डालेंगे, बस उनको बैठेंगे, उनको परोसेंगे। वो जाने के बाद नल खोलेंगे, जाओ नल खोलेगा, खोलेंगे पानी उनको पानी भी पिलाएंगे। और जाने के बाद उनके झूठा पतल को हमारा परम आराध्य श्री प्रभुपाद महाराज लेके डस्टबिन में रखते थे। एक आचार्य है, एक गुरु है, एक महान संत है। वो सेवा को देख के भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले देखो क्यों प्रभुपाद करते थे। हम लोग सोचते हैं अभी हम बड़े हो गए, अरे सब लोग मेरे सेवा करना चाहिए। आजकल का जमाने में जब हम भक्ति करते, प्रचार करते, हम अपने आप को थोड़ा सोच लेते हम बहुत भारी हो गया है। इसलिए कभी कभी ब्रह्मचर्य में होता है या गृहस्थ में तो होता नहीं, लेकिन गृहस्थ में तो अपने घर में रहते, लेकिन ब्रह्मचर्य में कभी कभी होता है। हम लोग पूर्णा होने का अतः दूसरे, फिर हम पूर्णा हो गया और तुम मेरे सेवा कर रहे तो हम लोग कभी हम अपने आप को भारी मान लेते हैं और दूसरे व्यक्ति हाँ मैं क्या करूँ, हाँ उसके लिए प्रसाद बनाओ, उसके लिए प्लेट ला, उसके पेट धो, उसका कपड़ा धो, उसका इसमें हम लोग, और ये बोलते हाँ यस ये कर दो मैं व्यस्त हूँ। ये माया का नाटक है, ये माया खेलती है, खेल 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 खिलाते मुँह खोल खोल के रखता है, इसे दबाएगा खुश सूर्य अस्त हो जाएगा, माया का नाटक है। इसलिए यहाँ बताते कि प्रभुपाद स्वयं महान भक्त होके दिखा, हम प्रभुपाद जी से ही नहीं, तो अगर हम उसको ऐसे फॉलो करेंगे मैं भी एक बड़ा हो गया हूँ अब मेरे सेवा करना है, नहीं ये रॉन्ग है, ये कृष्ण भक्ति में बाधक है। तो यहाँ देखा था कि भक्तों की सेवा करने से कृष्ण प्राप्ति करते हैं। अब भक्त की अगर कोई निंदा करेगा आयु यश धर्म सब नष्ट हो जाएगा। उदाहरण आता है कि हम देख सकते हैं अनेक उदाहरण है, दुर्योधन बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा शक्तिमान है, और उनका पक्ष में कर्ण, दुशासन और पितामह भीष्म द्रोणाचार्य बहुत बड़े बड़े महारथी है, लेकिन उन्होंने भक्त को निंदा कर लिया। कौन सा भक्त को निंदा किया, विदुर को निंदा किया। विदुर ने सत्यव्रत ने बोला, तो विदुर को दुर्योधन ने सबके सामने तिरस्कार किया, अब दासी पुत्र हो, नौकर से बात करना, आप निकल जाओ। जब विदुर घर से निकल जाता है तब अमंगल शुरू होता है। जब तक विदुर रहता है तब को अमंगल का सूचना पता नहीं चलता है, वो बचाना चाहते। उसी प्रकार हमको पता नहीं चलता है कौन भक्त कौन अभक्त। खाली हम पुराना होने से भक्त नहीं है, कौन व्यक्ति नया भक्ति ही भक्त है, पुराना भक्ति भक्त है। भक्त का अपमान करने से हमारा सर्वनाश होगा। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दिखाते हैं एक सुंदर भजन में कि कैसे भक्त की अगर ये करेंगे। चैतन्य भागवत में एक स्टोरी आता है, जैसे बकसुर पंडित और देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु का बाद में आते हैं, बोलते हैं बकसुर पंडित नाचनो जत क्षण
बेतहस्ते अपने बोले ना तत्क्षण। देखिए बकरसर पंडित एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान संगी है। कहा गया महापुरुष का एक हाथ है, एक नृत्य करने का एक उनका एक पाठ है। और बकरसर जो नाचते यहाँ का देवानंद पंडित नंबर वन स्कॉलर, भागवतम में कथाकार नंबर वन है। हम कथाकार हो सकते हैं, हम गानेगार हो सकते हैं, हम पैसा वाला हो सकते हैं, हम धंधार हो सकते हैं, हम रूपवान हो सकते हैं, लेकिन काम को नहीं आएगा अगर भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ बकरसर पंडित ने बहुत स्पेशल है, लेकिन जो देवानंद पंडित है, बहुत पंडित बहुत ख्याति देवानंद पंडित ने बकरसर पंडित को अपमान किया था। कैसे अपमान किया था देखो यहाँ बताते हैं। बकरसर पंडित नाचनो जत क्षण बेतहस्ते अपने बोलने तत क्षण। जब बकरसर पंडित नृत्य करता नाचता रहता है, यहाँ पे जो क्या नाम बोला देवानंद पंडित एक हाथ में लाठी लेके एक डिस्टर्ब मत करो बोलता है। और क्या बोलते अपनी करना सर्व लोके एक भी रहिले अपने घरे रखने को बुक को लेते हैं। जब एक लाठी लेकर सबको रुकाता है डिस्टर्ब मत करो डिस्टर्ब करो। और जब महापुरुष को जब वो कीर्तन करते नाचते रहते बकरसर पंडित अपने कोली उनको स्वीकार गिनने के टाइम पे लेके पकड़ता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको सहाय करता है। और क्या बोलते हैं तहारो तहारो अंगेर धूला बड़े भक्त माने अपना सर्व अंगे करने ले पने। और जो नाश्ता गाता था उसका धूली लेके ना बकरसर पंडित के धूली फूली लेके अपने शरीर में लगा देते भक्त के धूली। और क्या बोलते तहारो संगे ठाकी तारो सुनिया प्रकाश उसके स्थान में रहते हैं, उसका प्रकाश उसके बारे में सुन करके उसको बहुत प्रेम आने लगा। और क्या बोलते तखन जन मिले तारो प्रभुर चैतन्य विश्वास। जब बकरसर पंडित में संग में रहने के नाते धीरे 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 क्यों बकरसर पंडित भगवान के नित्य भक्त है, नित्य सिद्ध भक्त है। और यहाँ पे ये जो देवानंद पंडित भगवान भक्त नहीं है, लेकिन भक्त के संग में रहते रहते उसका मन में महापुरुष के प्रति प्रेम उत्पन्न। इसलिए भक्ति करने के लिए भक्त संग जाइए, बिना भक्त संग में नहीं कर सकते। फिर बोलते वैष्णव सवर फल कहे पुराणी तार साक्षी ए सब देखिए विद्यमान। वैष्णव की सेवा करने से क्या साक्षी विद्यमान पुराण में लिखा है, वैष्णव सेवा से क्या फायदा होता है। और क्या बोलते अजन्म धर्म को उदास ज्ञानी ज्ञानी जन भागवत अध्यापना बिन नहीं आनो। वो अजन्म धार्मिक उदासीन और ज्ञानवान वो कैसे बकरसर ये जो देवानंद पंडित अजन्म धार्मिक है, ज्ञानवान है, गुणवान है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं था। भगवत भक्ति हीनस्य जाति सत जपस्तव, भक्ति नहीं है तो कुछ काम को नहीं। फिर बोलते संत दंत जितेंद्रिय मूल्य वो निर्विषय। और कैसे शांत है दंत जितेंद्रिय है मूल्य लोभ नहीं है, कोई भी कामना नहीं, लेकिन ये होने के बाद भी महापुरुष कृपा नहीं किए। क्यों प्रायो देखो प्राय आयो कितने गुण ताते हो, और ऐसे अनेक गुण उसके पास बहुत अच्छा गुण है। तथापि गौरचंद्र नहीं लो विश्वास, इतना होने के बाद भी उसके पास गौरचंद्र के प्रति उसका विश्वास नहीं था। विश्वास बताते तथापि विश्वास बकरसर प्रसाद से बुद्धि विकास, बकरसर पंडित के कृपा के द्वारा उसको कृपा मिला। क्यों कृपा मिला यहाँ बताते हैं। एतक वैष्णव सेवा परम उपाय भक्त सेवा होते सेवे सवर कृष्ण पायो। भक्त की सेवा करने से भक्ति मिलेगा, बिना भक्त की सेवा नहीं करेंगे भक्ति नहीं मिलेगा। तो जैसे हम बोलेंगे भक्त सेवा कहाँ करेंगे, भक्त किधर है, भक्त कहाँ ढूंढेंगे। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, जो व्यक्ति हरिनाम जप करता है, जो व्यक्ति जो कनिष्ठ क्यों ना हो, मध्यम क्यों ना हो, उत्तम क्यों ना हो, हम सब आज है कनिष्ठ, आज एक पेड़ है फल लगा हुआ है, कल धीरे धीरे पकेगा,
आज नहीं कल नहीं परसों पकेगा। उसी पर जो भक्ति भावना में है वो भक्त है। इसलिए जो हमारे से उच्चतर भक्त है उसकी सेवा करना, जो हमारे से छोटा है उसको भी सेवा करना, जो समाज के उसकी सेवा करना। कैसे सेवा करना? जो हमारे से छोटा है उसको प्यार करना, प्रेम करना, उसको सांत्वना देना, उसको उसको शिक्षा प्रदान करना, उसको दान, उसको आराम से भक्ति का रास्ता सिखाना, जो हमसे छोटा है। और जो हमारे समझ कर हम दोस्ती मिल करके क्या करना चाहिए? कृष्ण का चर्चा करना चाहिए और कुछ चर्चा मंथन करना चाहिए। जो हमारे से बड़े हैं उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा लेना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, वो सेवा करने से भक्ति बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं बकर सर पंडित क्यों भगवान कृपा किया, क्योंकि हालांकि वो देवानंद पंडित भक्त नहीं था, लेकिन ये भक्तों की सेवा किया, सिर्फ भक्तों की सेवा किया। महापुरुष यहाँ बताते, देखिए महापुरुष क्या बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं बकर हृदय कृष्णर निज घन कृष्ण नृत्य कर नाचते बकरेश्वर। बकर पंडित के हृदय भगवान के घर है, इसलिए बकर नाचता है कृष्ण नाचते हैं, इसलिए बताते हैं सर्वभूत कृपा तुम्हारा स्वभाव। महाप्रभु के स्वभाव, बकर पंडित के स्वभाव क्या है? सर्वभूत महाप्रभु ये बोले सर्वभूत कृपा होता, आपका सब भूत सब जीव को दया करते हो, आप मेरे को भी दया करो। बोल रहे कौन है? देवानंद पंडित। जो देवानंद पंडित बकर पंडित का ईर्ष्या किया था, कैसे? बकर पंडित ने जब शिवा ठाकुर जा रहे थे कीर्तन हो रहा था, बकर पंडित ये देवानंद पंडित नृत्य प्रागतम कथा कर रहे, शिवास पंडित जा रहे, जाते सुनने के टाइम उनके मन में भाव आया और तुरंत बेहोश हो गए, हे उठा के पटक दो, सेट कर दो। तो महाप्रभु बोले नॉनसेंस, उसका भागवत फाड़ दो, वो बराबर नहीं, उसको कृपा करूंगा नहीं। लेकिन जब देखते हैं बकर पंडित प्रभु की सेवा में, कैसे बकर पंडित की सेवा करने के लिए व्यस्त है, तब महाप्रभु ने उसको कृपा किया। उसी प्रकार यहां हम देख सकते हैं कि कैसे अगर भक्ति को निंदा करता है, भक्ति की ईर्ष्या करता है, भक्ति की द्वेष करता है, भक्ति की प्रति संभाव रखता नहीं, तो उसका सर्वनाश होता है, आयु यश धर्म सब कुछ विनाश हो जाता है। क्यों विनाश होता है मैं बताते हैं, कैसे? जैसे इंद्र, इंद्र को देखिए, इंद्र राजा है, बढ़िया है, होने के बाद भी अपने गुरु के प्रति अपमान कर दिया, बृहस्पति के प्रति, क्योंकि एक बार इंद्र अपने सिंहासन में बैठे हैं, उर्वशी है, बाकी दूसरा सब नृत्य नाटिका चल रहा है, जब यहाँ पे गुरुदेव आए, गुरुदेव को देख के भी न दिखते हुआ हुआ, तो तुरंत वहां से रास्ता जगह छोड़ दिए, तो तुरंत देखते हो तो इंद्र का पतन हो गया। क्यों पतन हुआ? क्यों? यस्य प्रसादत भगत प्रसाद हो, यस्य प्रसादत नगति कृतपि, क्योंकि गुरु के कृपा के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा उदाहरण आता है, कैसे जब चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि कैसे जब महाप्रभु एक बार शिवास आंगन में महाप्रकाश कर रहे, लीला कर रहे, बोले आज मैं सबको कृपा करूंगा, आज मैं सबको कृपा करूंगा, जो चाहिएगा वो दे दूंगा, बुलाओ सबको, सबको बुलाओ। यहां आता चैतन्य भागवत में आता है, बोलते हैं भक्ति जोगे विजय गौरंग महेश्वर जहां जाते प्रीति ले से बरो। बताते हैं बाम दीजे गोदधर तांबूल जोगाय चारी दीजे भक्त बण चामर ढुलाय। गोदाधर पंडित बा साइड में चामर हिला रहे, कोई चामुल खिला तांबूल खिला रहे, कोई चामर हिला रहे, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी शिवास ठाकुर के घर पे सिंहासन में बैठे हैं, महाप्रकाश लीला करते, विष्णु का रूप धारण करके स्पेशल रूप धारण करने विष्णु का सिंहासन में बैठे, बोलते मैं विष्णु जो मांगेगा वरदान मांगो मैं दूंगा। क्या बोलते हैं? भक्ति जोगे बिलायो गौरंग महेश्वर जहार जहाते प्रीति लय से बर। क्या बोलते हैं? भक्ति जोगे विलय गौरंग महेश्वर, भक्ति जोग प्रदान कर रहे हैं गौरंग महाप्रभु, आओ सबको सब दूंगा मैं आज, जो चाहे वरदान मांगो। और क्या बोलते?
जहार जहाते प्रीति से ही बर, जो जिसको प्रीति इच्छा उसको बर मांग मांग लो, मांगते हैं कि हो बोले मागो गुरु प्रति गुरु शिष्य प्रति कह पुत्र कह पत्नी जार जथामती। कोई बोलता मेरे गुरु भक्ति दीजिए, कोई बोलते मेरे परिवार ठीक कर दीजिए, कोई बोलते मेरे को ये दे दो, जो जहां मांगो मांगते हैं। और क्या बोलते हैं, भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर हासी आस बार दिला प्रेम भक्ति बर। क्या गौरांग महाप्रभु की जय। क्या बोलते हैं, भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर, भक्त वाक्य सत्य करने के लिए विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु बोले दूंगा दूंगा प्रेम भक्ति प्रदान करूंगा। महाशेष निवास बोले न गोसाई आय दिवाय भक्ति सब शिव ठाकुर बोलते हैं, हे प्रभु सबको तो सब दे दिया, आप तो उनको दो, किसको आई को दो, आई कौन है सच्ची माता आपके मम्मी जो हमारे भी आई है मम्मी है, आप उसको प्रेम भक्ति प्रदान करो। प्रभु बोले निवास निवास कारो नहीं दिव्य प्रेम भक्ति रविलास। देखिए वैष्णव अपराध करने का फल कितना होता है, कितना खतरनाक है। महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, हे शिवस सब कुछ सब दे सकता हूं लेकिन मैं प्रेम भक्ति मेरी मम्मी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बोलाते हैं प्रभु बोले यहां ना बोले वैसे ये बोल बोलो मैं नहीं दूंगा। क्यों महाभक्त श्रीनिवासो बोले बारो बारो यही कहते रहो प्रभु देह त्याग सेवा करो। सब लोग बरम्बर बोलते आप सच्ची माता को कृपा करो, 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 नहीं नहीं नहीं। क्यों बोलते हैं ये बोलते तुम्ही जा रहे पुत्र प्रभु से जगत जनानी पुत्र स्थाने मायर की अपराध गणी। बोलते हैं तुम्ही जा रहे पुत्र प्रभु से जगत जननी, आप जिसके पुत्र हो वो जगत जननी है। सच्ची माता की जय, सच्ची मैया की जय, चैतन्य सुंदर भगवान की जय, गौर सुंदर भगवान की जय। तो बोलते आप सच्ची माता को बोलते सच्ची माता आप जिसके पुत्र हो वो तो आपके जननी, वो जगत जननी है, हा? तो आपको तो कृपा करना पड़ेगा, आप क्यों नहीं करेंगे। बोलते हैं पुत्र कुछ गलती किया माँ क्या उसको देखता है, माँ तो मानता नहीं, माँ का तो कृपा होना चाहिए। प्रभु बोले उपदेश कहीते से पारी वैष्णव अपराध आनी खंडाइते नारी। महाप्रभु बोले मेरे मम्मी उपदेश दे सकता है यस, लेकिन वैष्णव अपराध जो है मैं उसका घुंचा नहीं सकता हूँ, वैष्णव अपराध को मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, उपदेश दे सकता है लेकिन मम्मी का आदेश को पालन कर सकता हूँ लेकिन अपराध को मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ। क्यों बोलते हैं जे वैष्णव स्थाने अपो यादव ही जा रो। बोलते थे जे वैष्णव स्थान अपराध जारो पुत्र पुनः से खेमिले से गुंचे नहीं आरो। जो वैष्णव के प्रति हमारा अपराध होता है वही वैष्णव के प्रति हमको माफ मांगना माफी मांगना पड़ेगा। तब ये होगा महापुरुष यहां दिखाते हैं वो कौन सा अपराध वैष्णव के अपराध किए थे क्योंकि अद्वैत आचार्य के प्रति किए थे। बोलते हैं दुर्वासा न अपराध अम्बरीश स्थाने तुम्हें देखो जाना जे मने। आपको मालूम है दुर्वासा मुनि ने अपराध किया अम्बरीश महाराज के प्रति, अम्बरीश महाराज महान राजा है भजन कर रहे कीर्तन कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि आ गए मैं आऊंगा भजन करूंगा आइए महाराज, वो ध्यान में बैठ गए। द्वादशी के समय हो गया, द्वादशी अभी टूट गया टूटने वाला है, मैं कुछ जल ग्रहण करूंगा नहीं
तो मेरा कैसे टूट जाएगा। ब्राह्मण को पूछ के जल ग्रहण किया, तुरंत बंद मार डाला उसको, आया कृत्य प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र आया, खटक खटक धूम उड़ा दिया। फिर वो दुर्वास मुनि भटकने लगे। तो भगवान योगी को पसंद नहीं करते हैं, भगवान भक्त को पसंद करते हैं, भक्त भक्त भक्त। इसलिए यहां बताते हैं, नारायण स्तमित अच्छे तनोपराधो नारखे मिले से हो प्रेम प्रसाद। मां पूर्ण आदेश दिया, नारे कौन, नारा कौन है? अरे दाजी रे प्रभु बोलते, नारायण स्थान तेने आछे तन अपराधो नारखे मिले से हो प्रेम प्रसाद। अगर अद्वैत आचार्य क्षमा करेंगे तो उसको प्रेम मिलेगा। तो महाप्रभु शिक्षा देना चाहते हैं कि ये प्रहलाद महाराज यहाँ दिखाना चाहते ना, प्रहलाद महाराज का अपराध किया, तो उसी प्रकार हम कभी भी वैष्णव साधु गुरु वैष्णव के प्रति कभी भी ईर्ष्या दोष कभी नहीं, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। ये भगवान के प्रिय पुत्र है, जैसे एक उदाहरण आता है याद आया, एक शेठपति है, उस शेठपति ने प्रत्येक दिन जाता है समुद्र किनारे में और साथ में कुत्ते को लेकर जाता है, और हम समझे गरीब व्यक्ति है, मैं कभी शेठ को तो मिल नहीं सकता हूं, मेरा के नारियल के दुकान है, नारियल या बिस्किट की दुकान है, मैं प्रत्येक दिन क्या करूंगा, ये रास्ते में जाने के टाइम पे वो कुत्ते को नारियल या एक बिस्किट दूंगा, प्रत्येक दिन देते बैठूंगा आधे टाइम, तो कुत्ता बराबर कुत्ता पता चल जाएगा उतार के वहीं पर रुके, डन एक बिस्किट खाएगा जाएगा, बिस्किट जाएगा जाएगा। शेठ के साथ बड़े बड़े भजन लोग हैं, लेकिन जब कुत्ते को हम प्रेम करते हैं तो मालिक क्या बोलेगा, अरे मेरे कुत्ता, जब हम शेठ को कुछ बोलेंगे तो शेठ बोलेगा मेरे कुत्ता को प्रेम करता है ना, इसलिए मैं इसको प्रेम करूं। उसी प्रकार वैष्णव जो गुरु है, जो वैष्णव आचार्य है, भगवान कृष्ण के डॉग है, जो भक्त है भगवान के क्या है, डॉग है। इसलिए हम भगवान के कुत्ते को हम प्रेम करेंगे, हम सब भगवान के कुत्ते हैं, है? हम भगवान के अपना बोलते ना भजन में ना, अमित कुकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना हमरे, तुम तो ठाकुर अमित कुकुर बोलिया जाना हमरे। अब ठाकुर हम कुकुर ये विचार रखेंगे ना, एकदम आनंद आनंद। इसलिए यहां बताते सच्ची माता दिखाना चाहते, चैतन्य बाबू बोले नहीं उसको कृपा नहीं करूंगा, कैसी कृपा मिलेगा, अगर वो अद्वैताचार्य के प्रति जाके माफी मांगेगा तब कृपा मिलेगा। तो अद्वैताचार्य वो क्या अपराध किए थे, क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, एकदम घुंघरुआ बाल था, बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत नटखट थे, कभी कभी कुछ पहनते थे कभी कुछ नहीं पहनते थे, मम्मी उनको छुट्टी बांधती थी, एक एक धोती, आजकल तो पैंट शर्ट हो गया, हाफ पैंट हो गया, उस टाइम पे पैंट शर्ट नहीं था, धोती पीला धोती पहना देगा, तो गोरंग सुंदर गोरा व्यक्ति वो जाएगा सच्ची माँ, तो बोलेगा बेटा निमाई, बोलेगा मम्मी बोलो ना जा, भाई को बोलेगा ले जा, पसंद खाएगा, भाई को बुलाने जाएंगे, भाई को बुलाने जाएंगे, भाई वाला भाई को देखने के, भाई को जब बुलाने जाते हैं उस टाइम से अद्वैताचार्य सब भक्तों को देखते, ओहो क्या सुंदर है, क्या लड़का है, क्या लड़का है, वो देख के सब सब लोग समाधि में रहते हैं, जो लोग की कृष्ण भावना में उन्नत स्तर पे हैं, कोई किसी के प्रति आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, वो एक साधारण लड़का प्रति आसक्ति, वो सोचने लगे अद्वैताचार्य मेरे मन में इतना आसक्ति कैसे होता है, मैं तो वैराग्य व्यक्ति हूं। तो विचार कर ले क्या है लड़का, क्या है, ध्यान कर ले कि यही मेरे प्रभु है, और वही जो उनके बड़े भाई है वो है विश्वरूप आते थे प्रत्येक दिन यहाँ पे अद्वैत घर में कथा सुनने के लिए, सुनते 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 कहा गया अगर ध्यान पूर्वक भरी कथा सुनोगे, अगर मेडिसिन खाते हैं तबीयत ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर परफेक्ट नहीं है, या आपका मेडिसिन खाने में कुछ प्रॉब्लम है, पथि को नियम को पालन नहीं करते। उसी प्रकार अगर हम भजन करते भक्ति करते अगर हम आगे जाते नहीं तो जरूर हमारे कमियां है, या भजन भक्ति परफेक्ट नहीं कर रहे हो, भजन भक्ति नहीं कर रहे हो, तो उस समय पे उन्होंने देखे क्या देखे कि क्यों ये मेरे बेटा हमेशा रहता है, सुनते सुनते वैराग्य उत्पन्न हुआ, असत्य है, अगर भागवत में सुनते हैं भगवान भक्ति करते हैं, अगर हमारे मन में संसार के प्रति हमारा
अरुचि उत्पन्न नहीं होता है, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, हमारा श्रवण करने का कुछ कमियां हैं। कभी कभी अनेक लोग कथा करते प्रवचन करते हैं, प्रवचन करने के तो प्रवचन होने के बाद इतना उसका कीमत है 2 लाख 3 लाख 5 लाख ये सब है। ये पैसा बेचना, ये कथा, ये कान को मधुर लगता है लेकिन हृदय को मधुर नहीं लगता है, ये रंग है। प्रभु की कथा बेचना, प्रभु की ये करना रंग है। उस साहब पे उन्होंने क्या किया, देखा मेरे बेटा को हमेशा जाता रहता, तो ये सुनते सुनते उनका शादी को होने वाला था, उनको 12 साल हो गया था, सोचे उनको शादी कराएंगे, जब सुना है मेरा शादी होने वाला है, हरी बोल चलो यहां से भाग गए। कहां भाग गए, घर छोड़ के, मम्मी को छोड़ के, पापा को छोड़ के गए, क्योंकि परम दृष्टा निवर्तन थे, विषया विनिवर्तन थे, निराहार से देहिनो रसो बिजम सोपेश्यम परम दृष्टा निवर्तन। उत्तम चीज जो मिलने के इतना छोटा छोटा चीज अपना हट जाएगा। उस समय उन्होंने घर छोड़ गए, तब अद्वैत सोचा, ये सोचे सची माता सुना, ये अद्वित नहीं है, ये अद्वैत नहीं है, द्वैत द्वैत द्वैत, मेरे बच्चा नाना से बच्चा को बिगड़ दिया, मेरे बच्चे को क्या कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। इसलिए श्री गौरंग महाप्रभु अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं, सब जानिए, इसलिए बताते हैं। यहां पे देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं तखनो चलिया सब अद्वैत स्थान, अद्वैत कहे न सब विवरण, सब मिलकर अद्वैत के पास जाते, अरे अद्वैत प्रभु क्या है, आप सच्ची माता को कृपा करना पड़ेगा, अरे सच्ची माता को कृपा करूंगा, सच्ची माता जगत जननी है, हमारा माँ है, मैं उसको कृपा करूंगा, ये तो हो नहीं सकता है। सुनिया अद्वैत करे विष्णु स्मरण, तुम्हारे लेते हमारा जीवन, अरे तुम लोग मेरे जीवन लेना चाहते हो, अद्वैत बोले तुम लोग क्या मेरे जीवन लेना चाहते हो, सच्ची माता मेरे मम्मी है, मेरे माँ के समान है, जारो गर्वे मुहारो प्रभुर अवतार, से मो जननी मुही तारे पुत्र तहार, जिसका गर्व में मेरे प्रभु जन्म लिया है वो मेरे जननी है, मैं उसको कैसे मेरे चरण का धूलि दूंगा, नहीं हो सकता है। जे आई रो चरण धूलि आमी मात्र चाई, से आई रो प्रभु ना देखना तिलक माई, बोलते जो सच्ची माता का चरण धूलि मेरे को चाहिए, और तुम लोग उल्टा बोलते हो नहीं सकता है, मैं तो पतित हूं, मैं तो अधम हूं, तो इसलिए बोलते जब ये से होता है बातचीत होता है, अद्वैत आचार्य की यहां बताते क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं, परम वैष्णवी आई मूर्तिमंती भक्ति विश्वम्भर गर्व धरि लेना जरा शक्ति, परम वैष्णवी आई, परम वैष्णव सची माता है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु हृदय में धारण किए थे, और क्या बोलते आचार्य चरण धूली लैल दो जखने, जब ये बात करते करते सच्ची माता और अद्वैत आचार्य के बीच में बातचीत चलता, भक्त लोगों को सब भक्त लोग मिलकर सच्ची माता को लेकर आए अद्वैत घर पे, अद्वैत अब कृपा करो, अब कृपा करो, अब कृपा करो, सच्ची माता को देखने के बाद, सच्ची माता को देखने के बाद अद्वैत आचार्य के मन में बहुत प्रेम आया, बोला मेरे जगत जन मेरे मम्मी है, मेरे मैया है, मेरे प्रभु की मम्मी है। इसलिए जो भक्ति करता है, भजन करता है, जो वैष्णव वैष्णव भजन करते वो हम लोगों के लिए क्या है, माँ के समान, मातृवत परवानेसु परद्रव्येषु लष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जपस्यते समन्वित, भजन करने वाले व्यक्ति भक्तों के लिए जो है, जो वैष्णव वैष्णव भजन है पिता माता के समान है, वो भावना रखेंगे वैष्णव में अपराध होगा नहीं, माँ के प्रति माँ का भावना रखना चाहिए, पापा का पिताजी का भावना रखना चाहिए, क्योंकि वैष्णव है। और यहां बताते परम वैष्णव आई मूर्तिमंत भक्ति विश्वम्भर गर्व धरि धारण शक्ति, परम भक्तिमान सची माता है विश्वम्भर को धारण किया है, और ये बोलते हैं आचार्य चरण धूलि लैला तो जखने बियोल होइला पड़िला भाई शुष्क नहीं माने, जब अद्वैत आचार्य ने बोलते बोलते बियोस हो गया, सची माता गई उनका चरण का धूलि लिया सिर पे लगाया, लगाने के बाद महाप्रभु बोलते बोलते हैं तखन से विष्णु भक्ति हईल तू मान अद्वैत स्थान अपराध नहीं आरो,
आपने अधिचर के बोले तुमने अधिचर के अभी चरण धूल ले लिया, तुम्हारा भक्ति तुम्हारा सब अपराध नष्ट हो गया, अभी तुमको भक्ति मिलेगा, भक्ति मिलेगा। क्योंकि यहां दिखाना चाहते हैं वैष्णव कितने महान है, वैष्णव कितने उन्नत है। उसी पर दूसरा उदाहरण आता है जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे शिवराज ठाकुर के घर पे, बहुत सुंदर कीर्तन होता है, वो कीर्तन में किसको अलाउ नहीं है, सिर्फ कितने लोग अलाउ हुए, थोड़े लोग अलाउ हुए, जो मेन में लोग सीक्रेट कीर्तन प्रवचन होता है। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चापल, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण बोलता है अरे मेरे को जाने देता नहीं, ये नहीं करता है। वो क्या करता है, गुस्सा होके क्रोधित होके कुछ लोगों को इकट्ठा करके प्रभु का कीर्तन चलता है शिवराज ठाकुर के घर पे, घर में वो सामने मटन मच्छी का जो खाने की प्रात जो गंदा चीज रखते हैं और मटका दारू सब रख देते हैं ना, जो मिट्टी का सब रख दिए सब। शिवराज ठाकुर जब दरवाजा खोला रात को, सब देखा गांव वाले, देखो गांव वाले, देखो गांव वाले, देखो हम ऐसे करते नाटक। लेकिन दूसरा क्षण इमीडिएट उसको कूड़ हो गया, लेपर्सी हो गया और सड़ने लगा, शरीर का एक एक अंग डिग 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 टिंग 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 नाक से घी निकलता कि नहीं, ऐसे गिरने लगा और सड़ गया शरीर। जब महाप्रभु को पास महाप्रभु संदेश लेता है, बाद में महाप्रभु के पास आता है, नहीं तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तुमने भक्त मेरे भक्त के प्रति द्वेष किया है, ईर्ष्या किया, मैं तेरे कृपा नहीं करूंगा, तुम मर जाओगे, तुमको कृपा नहीं करूंगा। कहा गया जन्म जन्म तुमको अपराध दंड भोगना पड़ेगा। जब शिव जब वो जाता है, क्या करूं क्या करूं, बोलते जिसका इतना अपराध किया है उसके पास जाओ। ये भजन में गाते कि बोलते हैं क्या बोलते हैं, बोलते हैं अगर तुमने उसके प्रति अपराध किया है, जे वैष्णव स्थाने है अपराध है, जो वैष्णव के प्रति तुम अपराध किया वो वैष्णव बस जाओ माफी मांगो। जब वो जाता है शिवराज ठाकुर के पास, शिवराज ठाकुर चरण में शरणागत होता है, माफी मांगता है, तब शिवराज ठाकुर माफ करता है, बोलते तुम भजन करो कीर्तन करो। तो वैष्णव जो होता है दयालु कृपालु, इसलिए यहां बताते हैं कि आयु यशो धर्म सब नष्ट हो जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के प्रति थोड़ा सा द्वेष कर देगा। आप देखिए जैसे रावण 56 घंटा जुग भोगने के लिए उसके विचार था, उसको वरदान मिला था, लेकिन उसने अपराध किसके प्रति किया, विभीषण के प्रति, विभीषण को लात मार के भगा दिया। जब विभीषण घर से निकल गया उसका संपत्ति ही न हो गया, उसके सारे ऐश्वर्य खत्म हो गया। तो इसलिए बताता चलता है कि भगवान का भक्त जो है सबसे उन्नत है, सबसे उत्तम सेवा वैष्णव सेवा, वैष्णव जो लोग, इसलिए बताते ना कैसे वैष्णव को कैसे कृपा मिलेगा, हमको वैष्णव के शरणागत कैसे जाएंगे, कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणाप क्या अति हीन, कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणाप क्या अति हीन, अमित कंदालो कृष्ण कृष्ण बोली, अमित कंदालो कृष्ण कृष्ण बोली, दाए तो वो पाछे पाछे, दाए तो वो पाछे पाछे। वैष्णव की करुणा न हो ले ना कुछ भी होता है, करुणा न हो ले कंदिया कंदिया तो ना रखिवा रहो, करुणा नहीं करेंगे असंभव असंभव। इसलिए बताते हैं गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, कंदिया कंदिया जना एवं दुख ग्राम, अगर वैष्णव चरण में अनुरोध करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो वैष्णव रिकमेंड करेंगे तब कृष्ण कृपा करेंगे, जो वैष्णव रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक कृपा नहीं करेंगे। जिस हम देख सकते प्रहलाद मार जितना प्रहलाद जितना तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा, लेकिन लास्ट को जब हृदय कुछ बद्ध हो जाएगा, प्रहलाद मार जाएंगे शांत बनाएंगे, लास्ट को प्रहलाद मार को भगवान बोलेंगे, हिरण बोलेंगे बोलो पुत्र प्रहलाद वरदान मांगो, क्या मांगे, मैं तो लेट कर दिया तेरे को बचाने को आया नहीं, क्यों मेरे को शर्म आता है, जो मांगे मांग, नहीं 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 न
कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो मांगते तो मांग ले, मांग तो मेरे पापा को माफ कर दो। तो बोलते ये क्या बोलते हो, तेरे पापा नहीं तो त्रिसप्तम एक पीढ़ी तेरे उधर होगा। तो वैष्णव बनते इसलिए बताते हैं कूलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा सावरती च धन्या पितृगणोपि नृत्यन्ति स्वर्गे यस्मिन् कुले वैष्णव नामधेय। कूल पवित्र हो जाएगा, कूलम जननी कृतार्थो, माँ हमार सात माता है, एक पृथ्वी, एक गाय, एक अपनी माता, एक धाती, एक धात्री, एक पृथ्वी, वेद माता है, गाय है, धनु ब्राह्मण पत्नी, राज पत्नी, मिला के गुरु पत्नी, सात है, एक है गुरु पत्नी, राज पत्नी, ब्राह्मण पत्नी और गाय, अपने माता धात्री, जो धात्री जो देखभाल करता है ऐसे, और एक पृथ्वी, सात माता है। कूलम पवित्रम, कूल पवित्र हो जाएगा, कूलम जननी कृतार्थो, तो माँ भी धन्य होती है, सत्य है ना। किसके बेटा एक जब बुलाएगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा क्या नंबर वन आया, माँ को दुख लगता है, पापा को दुख लगता है, वाह बारे बेटा, बारे बारे बेटा, वाह बारे बेटा, उसका आलिंगन करते। उसी प्रकार किसका पुत्र भगवान कृष्ण के लिए अपना जीवन सर्वस्व को समर्पित करता है भगवान के लिए, तो उसका पिता माता भी धन्य है, क्योंकि भगवान सोचेंगे वो माँ गर्भवती असली गर्भवती। तुलसीदास बताते हैं जो पिता माता का भक्त नहीं, पिता माता भक्त नहीं है, पिता माता का पुत्र भक्त नहीं है, वो माँ बांझे। बांझ किसके है, जो बच्चा वैष्णव नहीं है, वो बुरा मत बने, जो शास्त्र में लिखा है वो बोलता हूँ। इसलिए शास्त्र बताता है कि जो व्यक्ति पिता माता का पुत्र भक्त बनता है, कूलम पवित्रम जननी कृतार्थो तो वसुंधरा, पृथ्वी माता भी धन्य होती। हो एक विष्णु का भक्त मेरे ऊपर चलेगा, मेरे ऊपर घूमेगा, मेरे ऊपर जैसे माँ के गोद में छोटे बच्चा जन्म लेने का लात मारते, माँ को थोड़ी माँ को तो आनंद आता है। उसी प्रकार पृथ्वी माता हमारे मम्मी है, मैया है, उसको भी लगता है कि असुर लोग जन्म लेते हैं, मेरे गोद में एक वैष्णव आया, मेरे पृथ्वी के पति कौन है, पृथ्वी के पति स्वयं विष्णु है, कृष्ण है, और उनको भी लगता है कि देखो मेरे बेटा जन्म लिया, मेरे पति का गुणगान करेगा। जैसे कोई पिता माता है, कोई पिता माता होने के नाते उसके पुत्र उसके पापा का गुणगान करेगा, उसको पत्नी को अच्छा लगता। उसी प्रकार यहाँ पे पृथ्वी माता विष्णु के पत्नी है, और हम जब गुणगान करेंगे विष्णु के, पृथ्वी माता भी धन्य होती। ओहो क्या प्रेम, धन्य धन्य उझुलती रहती है। इसलिए होते हैं क्या श्लोक बोला मैं, कूलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, वसुंधरा वसुंधरा सावरती च धन्या, धन्य करेगा पितृगणों भी, पितृगणों भी धन्य दोनों जाएंगे। अरे कूल में तो कोई तो पिंड देगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। कूलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा सावरती च धन्या पितृगणों पर नृत्यन स्वर्ग, स्वर्ग में पितृ लोग डांस करेंगे, हरी हरी बोल हरी बोल, एक वैष्णव बन गया, अरे एक वैष्णव बन गया, आनंद होंगे। यस्मिन् कुले वैष्णव नाम देय, वैष्णव कोई बनता है, प्रहलाद महाराज परम वैष्णव है। अब वैष्णव की जब, इसलिए हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए वैष्णव की सेवा, वैष्णव गुणगान। वैष्णव हम कुछ कर नहीं सकते, समझो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वैष्णव की बारे में भगवान को प्रार्थना करते, वैष्णव को कृपा करो और आगे बढ़े, ये भी भक्ति, उन वैष्णव सेवा हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन वैष्णव को भगवान को प्रार्थना करने का, वो वैष्णव को कृष्ण प्रेम डुबा दो, गौरंग प्रेम डुबाओ, उसको कृष्ण भक्ति पढ़ाओ, बस हो गया। नहीं ये वैष्णव टांग खींचो उसका, उसको पलटिस डालो, तो घंटी बजा, दुर्योधन ने पलटिस किया, उसका सर्वनाश हो गया। विदुर वैष्णव है, वैष्णव जो सामने जानू बोलता है, कट्टू वचन बोलेगा, अच्छा बोलेगा, मीठा भी लगेगा, सत्य भी लगेगा, लेकिन विदुर को ये क्या, तो भंगटी बजी। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं कैसे कि प्रहलाद महाराज एक वैष्णव है, और हिरण्यकश्यप ऐसे वैष्णव पर द्वेष करता है, तो भगवान क्रोधित बता पाएंगे, बहुत गुस्सा होंगे, इतना गुस्सा होंगे, आगे आगे बताएंगे कि भगवान क्रोधित होने का, तो भगवान प्रकट होंगे। ये क्यों रहता होता है, ये भी भगवान का प्लानिंग है, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज को तकलीफ देगा तब भगवान खाली देखते कब प्रहलाद बोलेगा मैं आऊंगा, कब प्रहलाद बोलेगा तुम, प्रहलाद बोल देगा इधर है, स्तंभे स्तंभे निगम मानुषम,
सत्यम विदात भूत्य भाषित, मेरे नौकर बोले या मेरे प्रभु इधर प्रकट होगा, इसलिए नरसिंह देव प्रकट होंगे, इसलिए हम लोग अभी नरसिंह दिखाएंगे, खत्म करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, पुल्लाद दाइने शिव पूर्वाक्ष, शिल टंकाल नखाल, इको नृसिंह पर तो नृसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नज सिंह मदिन शरणं प्रपदे, तब कर कमल बने नक मद्भुत सिंहम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगाम, केशाबधित नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब कर कमल बने नक मद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम, केशावधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, 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 प्रभु जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रभु पद, जय प्रभु पद शिल गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय शिल गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव, नरसिंह भगवान की, प्रह्लाद महाराज की, सर्व विघ्न विनाश की, लक्ष्मी नृसिंह प्रह्लाद नृसिंह उग्र नृसिंह भगवान की, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमर्त नमाम्यहम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमर्त नमाम्यहम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमर्त नमाम्यहम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमर्त नमाम्यहम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमर्त नमाम्यहम, श्री नरसिंह भगवान की, प्रह्लाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, आप सब की जय, गौर प्रेमानंदे।